हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ शीन हॉल। शीन से मुझे कुछ टॉप्स आए हैं और एक सेट भी है। मेरे ख्याल से 6-7 कपड़े होंगे इसमें। मैं आपको बॉक्स दिखा दूँ तो यहाँ पे है ये बॉक्स और इसी में सारे कपड़े आए थे। वैसे ये काफ़ी पहले आ चुके थे, पर इस बॉक्स को मैंने एक कोने में रख दिया था कि इस पे से सारे जर्म्स और जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, सब निकल जाए। उसके बाद ही मैं इसे खोलूँगी, इसलिए वीडियो अब बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शीन में ना अक्सर सेल चलती रहती है, और अभी तो ना सेल पीरियड चल ही रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहला टॉप है मेरे पास, ये लाइट पिंक कलर, आप इसको सैल्मन पिंक या ओल्ड रोज पिंक भी बोल सकते हो। तो कलर देखो कितना अच्छा पिंक कलर है ये, और ये स्ट्रैपी है यहाँ से। और ये सेम ना मैंने ज़ारा पे देखा था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था, अराउंड 2300 या 2400 का था, 2500 का था, 2590 का। और ये था मेरे ख्याल से 1000 कुछ का पड़ा। जितने भी प्राइस होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के लिंक के साथ प्रोवाइड कर दूंगी प्राइस भी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा टॉप, अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ना फैब्रिक भी अच्छा है इसमें। ना मेरे ख्याल से कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स है ये, तो ये कंफर्टेबल रहेगा और इतना ना टाइट भी नहीं है। सिर्फ आपकी ये बस्ट एरिया तक, यहाँ तक टाइट रहेगा, और नीचे से लूज है। तो आप इसे दिन के टाइम में भी पहन सकते हो, गर्मियों में भी पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका पैटर्न देखो, ये यहाँ से ऐसे प्लेन है और यहाँ से ये राइट साइड में फ्रिल्स जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऐसे फ्रिल्स वाले होते हैं ना, तो इसको प्रेस करो और फिर ठीक से थोड़ा सा रखना पड़ता है, पर पहनने पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट टॉप, और इसका नेक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, इसकी स्लीव्स ये पफ वाली है, तो 3-4 स्लीव्स है, तो यहाँ तक ये थोड़ी सी वाइड है और फिर नीचे से ना थोड़ी सी पतली है। तो ये भी मुझे शायद 1 या 2 इंच थोड़ा टाइट करवाना पड़े, क्योंकि जस्ट ही थोड़ा सा लूज है। अगर टाइट हो जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ये इलास्टिक भी दे रखा है, ताकि स्ट्रेच भी बना रहेगा। अगर मैं यहाँ से फिटिंग भी करवाती हूँ तो यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, अगर मुझे हाथ इसमें अंदर डालने में प्रॉब्लम होगी, जो कि नहीं होगी फिटिंग कराने के बाद भी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्रॉप टॉप है ये, और इसका जो फैब्रिक है ना, तो वो पॉलिएस्टर है, तो धूप में तो आप इसे पहन के नहीं जा सकते, स्पेशली वो लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो कहीं आप एसी में जा रहे हैं या फिर विंटर्स में, ऑटम्स में, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रिंट कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा है ना कि आप इसे समर्स में, किसी भी सीजन में, ऑटम में, विंटर्स में, सब में बहुत अच्छा। फिर मेरे पास ये वन शोल्डर टॉप है, और ये पहन के ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आई थी, पर आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कर लेना फॉलो। तो हाँ, ये टॉप भी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका प्रिंट कलर काफ़ी समरी है, क्रॉप टॉप है, तो ये जो पूरी चीज़ है ना, जहाँ पर ये चेस्ट आएगा, थोड़ा सा वेस्ट तक ये आएगा, क्रॉप टॉप है ना, तो इसमें ना इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो मेरा साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है, पर मेरे ख्याल से मुझे स्मॉल लेना चाहिए था, पर ये भी ठीक है, थोड़ा सा जस्ट टाइट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो मुझे बस्ट एरिया में थोड़ा सा जस्ट टाइट हो रहा था। और इसकी जो स्लीव्स भी है ना, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बस ये भी शोल्डर से ऐसे थोड़ा सा गिर रही है, पर अच्छा है ओवरऑल। ये टॉप बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से, और ये भी सेम मैंने ज़ारा पे देखा था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था, पर ये मुझे सस्ते में मिल गया है और पहनने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर नेक्स्ट मेरे पास एक और ये फ्लोरल प्रिंट टॉप है, इसका बेस ना ब्लैक है, तो ब्लैक बेस पे ये पिंक फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ग्रीन लीव्स और ब्लू लीव्स है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कलर। और स्लीव्स ना इसकी वाइड है, जो बलून स्लीव्स होती है, तो ये पूरी ऐसी बलून स्लीव्स है, वाइड स्लीव्स, और यहाँ से ना ये रिस्ट से थोड़ा सा ऐसे आप बटन लगा सकते हो इसे आगे की तरफ। इसे मैंने ये अभी तो खोल रखा है, तो इसके बटन्स लगे हुए हैं, तो इसे खोल के भी आप पहन सकते हो, जो कि ज़्यादा इजी रहता है। थोड़ा सा डीप नेक है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लासी, जैसे डिज़ाइनर वेयर होता है ना, डिज़ाइनर टॉप लग रहा है ये, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर फैब्रिक इसका है ना, तो पॉलिएस्टर है, तो गर्मी लग सकती है, तो जब आप कहीं एसी में जा रहे हो तभी पहन सकते हो, धूप में इसे पहनकर आप नहीं जा सकते हो। इसके बाद मेरे पास ये ग्रीन क्रॉप टॉप है, और इसका भी कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसको ना ब्लाउज की तरह भी पहन सकते हो, तो ये बेस इसका ग्रीन है, ऊपर ये कुछ पिंक फ्लावर्स बने हुए हैं, और ऐसा भी सेम मैंने ज़ारा पे देखा था, जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, पर ये सेम मुझे शीन पे मिल गया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने पर। इसकी स्लीव्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये पूरे लुक के साथ ना, इसका जैसे आप ये नेक देखोगे टॉप का और फिर इसकी स्लीव्स देखोगे, तो काफ़ी अच्छे से जा रही है। बस ये थोड़ा सा ना मुझे यहाँ से लूज़ हो रहा था। साइज़ इसका है, आई गेस दिस इज़ स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, तो जो भी साइज़ होंगे, प्राइस होंगे, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो साइज़ भी आप देख लेना, प्राइस भी देख लेना, क्योंकि ये मुझे अच्छे से फिट हो रहा है। बस ये नीचे से ये वाली जो लाइन है ना, ये चीज़ जो है,
ये मुझे जस्ट थोड़ा सा इसको टाइट कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मेरे पास ये टॉप है और ऐसा भी कुछ मैंने सेम ज़ारा पर देखा था, तो इसके स्लीव्स आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, कुछ ज़्यादा ही वाइड है। और आजकल ना वाइड स्लीव्स चल भी रही है, पर ये कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं पता मैं इसे ढंग से कैरी कर पाऊँगी कि नहीं, अभी तो मैंने पहन लिया, पर बाहर मैं इससे अच्छे से कंफर्टेबली कैरी कर पाऊँगी कि नहीं मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ ये जो स्लीव्स है ना, इसका फैब्रिक है पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स है, बीच में ये जो फैब्रिक है सो दिस इज़ वेलवेट, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है। साइज़ है इसका स्मॉल, तो ये यहाँ से ये जो ऐसे ये वाइड बलून स्लीव्स है तो यहाँ तक ऐसी रहेगी, और फिर यहाँ पर ये आपका इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। कलर बहुत अच्छा मुझे इसके स्लीव्स का लगा, कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। पर आप लोग मुझे बताना कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है, और आप लोगों को कौन सा टॉप सबसे ज़्यादा पसंद आया, और कौन कौन से डिज़ाइंस आपको ज़्यादा अच्छे हैं। फिर लास्ट है मेरे पास ये सेट, तो यहाँ पे ये स्कर्ट है और फैब्रिक है इसका रेयॉन पॉलिएस्टर मिक्स, तो रेयॉन ज़्यादा है इसमें, तो आप इसको गर्मियों में भी पहन सकते हो, धूप में भी पहन सकते हो। बीच वेयर के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये स्कर्ट है काफ़ी फ्लोई सी कम्फर्टेबल स्कर्ट है, बेस इसका वाइट है, ऊपर ये ब्लू लाइट ब्लू लैवेंडर कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, फ्लोरल प्रिंट है। और इसका ये जो टॉप है तो ये ब्लाउज स्टाइल में है, आगे से ना आप इसको बांध सकते हो, तो पिक्चर में लगा दूंगी, पिक्चर में देखना ये कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है पहनने पर मेरे ख्याल से मैं बाहर ही इसको पहन सकती हूँ, मतलब इंडिया के बाहर, तो अच्छा लग रहा है वैसे पहनने पर ये भी। तो यही था इस हॉल के लिए, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा, वैसे तो उस पर सेल और बहुत सारे ऑफर्स डिस्काउंट्स चल ही रहे हैं शीन पे, पर अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो चौधरी, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप 1500 तक की शॉपिंग करते हैं, 1500 एंड अबव, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन से टॉप सबसे ज़्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद आई होगी सो लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, उन सबके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलो अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।